So let us really begin with the derivation of equations of motion beta. Equations of motion. जो equations of motion है तीन आप पेटी equations study किया करते हैं basically. लेकिन इन एडिशन टू दैट देर इज वन मोर रिलेशनशिप वी विल बी डिराइविंग प्रेजेंटली. आइए इनको वन बाय वन बेटे सारे रिलेशनशिप्स को डिराइव करके देखें. वी विल बी डिराइविंग दीज इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ अवर डेफिनेशन एंड वी विल बी डिराइविंग दीज विद द हेल्प ऑफ अवर वी टी ग्राफ आल्सो बेटा. सो बेटे जब आप यूजिंग डेफिनेशन और From definition इन equations को derive करोगे आपके पास तीन equations हैं बेटा. First we have first equation of motion v is equal to u plus a into t बेटा. ये equation आप कैसे derive कर सकते हैं by making use of the definition. Imagine कर लीजिए बेटे आपके पास कोई ये किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में स्ट्रेट रोड पे कोई ऑब्जेक्ट जो है ये मूव कर रहा है. स्ट्रेट रोड वी हैव इमेजिन्ड एंड लेट इट बी ए टॉय कार एंड टॉय कार हैविंग इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल यू. आप वेक्टर डाल भी सकते हो नहीं भी डाल सकते. एंड आफ्टर सम टाइम द टॉय कार moving in the same direction is possessing a velocity beta v. It means that ki aapka jo toy car hai a point se lekar b point tak jab pahuncha hai isne imagine kar lijiye s ke barabar ka distance cover kar liya aur kyunki initial velocity final ke barabar nahi hai aapka object jo hai that must be getting accelerated. और सेकेंडली अगर ये एक्सेलरेट हो रहा है तो एक्सेलरेट बेटे एकदम से तो नहीं होगा. इट विल टेक सम टाइम टू गेट एक्सेलरेटेड. एंड लेट अस इमेजिन दैट टी दिस इज द टाइम द ऑब्जेक्ट इज टेकिंग टू गेट एक्सेलरेटेड फ्रॉम पॉइंट ए अप टू पॉइंट बी. और एज सच हम अगर एक्सेलरेशन का डेफिनेशन जो है ये बेटे यूज कर लें. एक्सेलरेशन को हमने डिफाइन किया था this is equal to rate of change of velocity beta. Acceleration final velocity minus initial velocity. ye change in the velocity ban gaya beta divided by time. this is rate of change of velocity. ab aap inko terms ko thoda sa rearrange kar lo. t ko ek hi taraf adjust kar lo. AT is equal to V minus U or V minus U is equal to AT and V is equal to U plus AT. So this is how you can derive first equation of motion simply from the definition itself. ये simplest way है equations को बेटे derive करने का. Then आइए बेटे second equation जो है हमारा सेकेंड इक्वेशन को भी डिराइव करके देखें और देन लेट अस गो फॉर विद द थर्ड इक्वेशन आल्सो. लेट मी राइट ऑन द अदर साइड ऑफ द बोर्ड बेटा. तो ये सेकेंड इक्वेशन आपका जो है ये आपको s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. ये बेटे आपका सेकेंड इक्वेशन है. इस चीज को कैसे डिराइव किया जा सकता है. Let us go for with this derivation part beta as such. आप जानते हैं एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज जो है ये बेटा इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी की एवरेज. ये कहीं ना कहीं हम इसको स्टडी करते हैं देखते हैं. एंड देन आप ये भी बेटे अच्छे से जानते हो कि जो डिस्टेंस कवर्ड होता है
इट इज एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इमेजिन कर लीजिए आपका ऑब्जेक्ट जो है वेरिएबल वेलोसिटी पोजेस किए हुए है। ऐसे केसेस में हम एवरेज दोनों वैल्यूज का ले लिया करते हैं और एवरेज निकालते टाइम ये हमारा मानो अपना स्पेशल केसेस आ जाता है कि वी एवरेज जो है वी प्लस यू अपॉन टू के बराबर होगा। सेकेंडली आपका डिस्टेंस कवर्ड एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम के बराबर भी बेटे रहता है। अब आप क्या करिए, सिंपली एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बेटा। एस विल बी इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टू इंटू टी, ये आपको मिलेगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर वन। हमने अभी अभी किया था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और यहां से v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी कर लो, t आपका v माइनस यू अपॉन a कर लो, इसको आप इक्वेशन नंबर टू कह सकते हो। सो बेटा इक्वेशन नंबर टू से आप t की वैल्यू निकाल कर इक्वेशन नंबर वन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। सो आइए देखें करके वन बाई वन बेटा। लेट अस सब्स्टिट्यूट टी फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू इन इक्वेशन नंबर बेटा वन। सो आइए बेटे करके देखें इसको। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन टी फ्रॉम इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन, ये टी था आपका, इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देते हैं। एस विल बी इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टू, टी इज वी माइनस यू अपॉन ए, ये चीज आपके पास बेटे बन जाएगी। अब आप क्या करिए कि इसको बेटे थोड़ा सा डिनोमिनेटर वाली टर्म का एडजस्टमेंट करिए, इन डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को टू को और ए को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। और जब इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा एस विल बी इक्वल टू वन अपॉन टू ए, ये सेपरेट कर लिया मैंने, वी प्लस यू वी माइनस यू ऐसे कर लिया बेटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नथिंग बट ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यू मस्ट बी नोइंग दैट रिलेशनशिप। सो एस इज इक्वल टू वन अपॉन टू ए ए स्केयर माइनस बी स्केयर, टू ए को आप शिफ्ट कर लीजिए लेफ्ट साइड पे, टू ए एस इट इज इक्वल टू वी स्केयर माइनस यू स्केयर, ये आपका बेटा थर्ड इक्वेशन बन गया। सेकेंड इक्वेशन के लिए हमें यहां पर ही इसकी v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी होगी, हमें सेकंड भी मिल जाएगा। सो आइए मैं साथ साथ सेकंड भी कर देता हूं। सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, ये थर्ड इक्वेशन हमारा बेटे डिराइव हो गया। अगर हम जैसे कि हमने स्टार्टिंग से कहा था कि सेकंड डिराइव कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन में आपको यहां से t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी, आप यहां पर डायरेक्टली v की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो सेकंड इक्वेशन डिराइव करने के लिए s आपके पास था बेटे v प्लस यू अपॉन टू इंटू टी, इक्वेशन नंबर वन को मैंने ऐसे ही पिक कर लिया है बेटे। इसमें आप यहां पे v की वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट से बना रखी है। आपका v जो है दिस इज u प्लस ए टी है, यहां पे सिंपली वैल्यू पुट कर दीजिए इसकी v की बेटा। आपके पास s जो है इट विल बी u प्लस a इंटू टी, देखिए मैंने सिंपली v की वैल्यू पुट की है, बाकी मैं कोई भी इसमें एक्सप्रेशन में चेंज नहीं कर रहा हूं। ये स्मॉल u वाली टर्म ऐसे आ गई, डिनोमिनेटर में 2 भी ऐसे ही रहने दिया और t भी ऐसे ही रह गया बेटा। अब देखो पुत्र u प्लस यू इट विल बी 2u बेटा, सो s विल बी इक्वल टू यूर 2u, at के साथ कोई और टर्म नहीं ऐड होने वाली, इट इज sh at, एंड
इन द डिनोमिनेटर इट इज टू इंटू टी। अब देखो ये टू बेटा आपका फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में भी है, सेकेंड के डिनोमिनेटर में भी है, हम दोनों में कर देते हैं इसको एडजस्टमेंट। एस विल बी इक्वल टू दिस इज टू यू अपॉन टू प्लस वन बाई टू ए टी इंटू टी। तो ये देखिए आपका टू कट गया, टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो दिस इज हाउ यू कैन गो फॉर विद योर बेटा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटे। सो इस तरीके से बेटे आप अपनी इक्वेशंस जो हैं, चाहे आपका इक्वेशन नंबर थ्री है, थर्ड इक्वेशन है, चाहे आपका बेटा सेकेंड इक्वेशन है, यहाँ फिर आपका फर्स्ट इक्वेशन है, आप इनको वन बाई वन उत्तर डिराइव कर सकते हैं। सो बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, रोल नंबर फोर दलजीत, इज इट क्लियर बेटा? रोल नंबर फोर दलजीत, रोल नंबर फोर दलजीत बेटा। दिवनू रोल नंबर फाइव। यस सर। इज इट ऑल क्लियर? यस सर। गुड, देन सहजप्रीत रोल नंबर 23। सहजप्रीत बेटा। यस सर। बेटे तीनों इक्वेशंस देखिए, वन टू एंड थ्री, कोई भी पॉइंट आपको लगे तो बताइए, मैं रिपीट कर दूं। नहीं सर, क्लियर है। तारा क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। वेरी नाइस बेटे। अर्शप्रीत, अर्शप्रीत रोल नंबर 2। यस सर। बेटे ऑल वेल? यस सर। ये सारा साथ साथ हो ही जा रहा है, कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं लग रही? नहीं सर। इनको लिख के देखना है बेटा, बार बार लिख के देखना है, राइट? ओके। अंजलि सर, साथ साथ कर रहे हो बेटा सारा काम? यस सर। गुड बेटे, कीप ऑन वर्किंग हार्ड। सो आइए अब मैं बेटे आपको नेक्स्ट इक्वेशन जो है उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये तीन इक्वेशंस तो बेसिकली आप बेटे डिराइव करते ही हैं, आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड में भी ये की थी, इनमें कोई ज़्यादा मुश्किल वाला काम है नहीं है। एक हमारे पास बेटे इक्वेशन है, जब आपको डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द nth सेकेंड ऑफ मोशन निकालना होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन बेटा। मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लो आपका कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 10 सेकेंड्स के लिए, आपको कोई कहे कि वो जी 5वें सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया या 10वें सेकेंड में कितना कवर किया, इन ए पर्टिकुलर सेकेंड और इंटरवल ऑफ टाइम जब आपको डिस्टेंस कवर्ड निकालना होता है, देन आप उस इक्वेशन को बेटा यूज करते हैं। सो लेट अस कम अप विद एन अदर इक्वेशन, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग nth सेकेंड ऑफ इट्स मोशन बेटे। सो आइए बेटा कंसेंट्रेट करें इस इक्वेशन पे, लेट अस विद अ फोकस अपॉन दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन, यू कैन से डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग nth सेकेंड ऑफ इट्स मोशन बेटा, ड्यूरिंग nth सेकेंड ऑफ इट्स मोशन बेटे। बेटे सिंपल बात है, मान लो आपका कोई ऑब्जेक्ट है 10 सेकंड्स के लिए मूव किया, आपको किसी ने कहा कि 10वें सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये निकाल दीजिए, तो व्हाट वी कैन डू, हम पहले पूरा डिस्टेंस कवर्ड इन द 10 सेकंड्स निकाल लेंगे, उसके बाद पूरा डिस्टेंस कवर्ड इन द 9 सेकंड्स निकाल लेंगे, और फिर 10 सेकंड्स में जितना भी डिस्टेंस कवर्ड है उसमें से 9 सेकंड्स में से जितना डिस्टेंस कवर्ड है उसको माइनस कर देंगे, हमारे पास 10 सेकंड का डिस्टेंस कवर्ड हमें मिल जाएगा बेटा। आइए बेटा इस प्रोसीजर के साथ हम अपना जो नेक्स्ट इक्वेशन है इसको वर्कआउट करने की कोशिश करें। आपने बच्चों देखो
s is equal to ut plus half at square equation derive कर रखा है. मान लीजिए ये आपके पास कोई स्ट्रेट रोड है और यहां से लेकर यहां तक आपका जो ऑब्जेक्ट है इसने n सेकंड्स में डिस्टेंस कवर किया. डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग n सेकंड्स फ्रॉम पॉइंट दिस अप टू पॉइंट दिस बेटा. और डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग n माइनस वन सेकंड्स. n माइनस वन सेकंड्स में आपका ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहां तक डिस्टेंस कवर करता है तो फिर nth सेकंड में कितना हो गया. दिस इज योर s nth बेटा. ये चीज आपको निकालनी है बेटा. ये हम प्रोसीजर अडॉप्ट करके अपना ये वाला कैलकुलेशन कंप्लीट कर सकते हैं. सो आओ पुत्र देखें इसको करके. सबसे पहली बात तो ये है कि हमने यहाँ पे टाइम को n माना है. डिस्टेंस कवर्ड इन द n सेकंड्स. तो इस फॉर्मूला में जिस जगह पर t है मैं उसकी जगह पर n लिख दूंगा. सो डियर चिल्ड्रन आई विल से दैट डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग n सेकंड्स s n ये मेरे पास बन गया u n प्लस हाफ a n का स्क्वायर बेटा. आई मीन टू से दैट t की जगह पे बेटे मैंने सिंपली n सब्स्टिट्यूट कर दिया है. नो अदर चेंज. देन व्हाट वी कैन डू फर्दर इज दैट बेटा आप इस n की जगह पर s n माइनस वन सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. s n माइनस वन विल बी u n माइनस वन प्लस हाफ a n माइनस वन इसका बेटा स्केयर कर दो. ये आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग n माइनस वन सेकेंड्स बेटे. आपने किया क्या है पहले आपने पूरा n सेकेंड्स का डिस्टेंस देखा फिर आपने n माइनस वन सेकेंड्स में डिस्टेंस देखा. अब आप इनको माइनस कर दोगे. आई मीन टू से दैट s n आपका जो है s n माइनस वन कर दोगे तो आपको ये डिस्टेंस कवर्ड बेटा मिल जाएगा. अब इसमें आप ये दोनों वैल्यू सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. वी विल बी हैविंग दैट एस एन जो है इट इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर माइनस आप ये पुट कर लीजिए यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर बेटा. हमें इस रिलेशनशिप को बेटे सिंपली सॉल्व कर लेना है. सो लेट अस बेटा कंसंट्रेट अपॉन सॉल्विंग दिस इक्वेशन इन द मोस्ट सिंपल मैनर बेटा. आइए इसको ब्रैकेट को ओपन करें. ब्रैकेट को ओपन करने से पहले आप रादर इसको इंटीरियर को सॉल्व कर लीजिएगा. सो वी विल हैव एस एनथ दिस इज यू एन प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर. ये तो एस एच है. इसको आप ओपन कर लो जो अंदर वाली छोटी ब्रैकेट्स हैं. दिस इज इक्वल टू यू. अभी मैं एक और स्टेप लिख लेता हूं. यू एन टू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का स्केयर कंप्लीट करना होगा हमें पहले बेटा. एन माइनस वन का स्केयर आएगा आपका ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी समथिंग लाइक दिस बेटा. ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी लग गया बिकॉज एन माइनस वन का स्केयर हमने कंप्लीट करना था बेटा. अब आप ये ब्रैकेट्स जो हैं आपकी स्मॉल ब्रैकेट्स इनको भी एलिमिनेट कर दीजिए. यू विल गेट यू एन प्लस हाफ ए एन का स्केयर माइनस ये आ गया जी आपका यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन का स्केयर प्लस हाफ ए अंडर टू कट जाएगा. दिस इज योर ए एन. अब देखो जो टर्म इसमें आपकी कैंसल आउट होगी हमें वो कैंसल आउट कर देनी है. एक बार फिर से देख लें यू एन माइनस यू हाफ ए एन स्केयर हाफ ए एंड ए एन सिंपली बेटा. अब आप ये वाली ब्रैकेट को भी हटा दीजिए. दिस इज योर यू एन प्लस हाफ ए एन का स्केयर माइनस यू एन प्लस यू प्लस हाफ ए एन का स्केयर माइनस हाफ ए
प्लस ए एन, दिस इज द इक्वेशन वी आर गेटिंग बेटा। अब देखो un से un आपका कट गया, हाफ ए एन स्क्वायर से ये भी आपका कैंसिल आउट हो गया बेटा, और हमारे पास टर्म्स भी कौन सी बच गई हैं, दिस इज u, ये बचा एक बेटा, ये देखिए पड़ा है हमारे पास, एंड माइनस वन बाई टू ए ये पड़ी है टर्म एक, एंड प्लस ए एन एक टर्म बेटा ये भी पड़ी है। इसको एक बेटे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने के लिए इस पार्ट में हम थोड़ा सा रीशफलमेंट कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू, मैंने कॉमन ले लिया, इधर ए बाई टू है ही नहीं, ये माइनस ए बाई टू है, इधर है ही नहीं है। अगर मैं यहां से ए बाई टू कॉमन लूंगा तो मेरे पास बेटे ये बच जाएगा टू एन, टू एन आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, ए बाई टू इंटू टू एन आपको ए एन दे देगा वापस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए आपको ये टर्म मिल जाएगी वापस, और ये तो आपका ए बाई टू है हमने कॉमन निकाला इसको एस सच, तो ये माइनस वन हम यहाँ पे लिख देंगे, इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई कर लो आपको ए बाई टू विद नेगेटिव साइन मिल जाएगा। सो डियर चिल्ड्रन, एस एनथ डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द एनथ सेकेंड ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है ये कुछ इस तरीके से आपके पास रिलेशनशिप पिटा बन जाया करता है। सो बिफोर आई प्रोसीड फर्दर विद द डिस्कशन अहेड बेटा, किसी भी स्टूडेंट को कोई इसमें दिक्कत है तो जरूर बताइए, सो दैट हम उसको बेटा सॉर्ट आउट कर लें। यस सर, ये दोबारा बता दो कौन से वाला बेटा सर, लास्ट टू स्टेप, ये वाले दो स्टेप्स बेटा। यस सर, देखो बेटे एक बार फिर से, इसको ब्रैकेट को हमने ओपन कर दिया, हमारे पास ये बन गया राइट बेटा, जब ये बन गया तो जो जो फैक्टर्स आपके नेगेटिव पॉजिटिव होने की वजह से हैं कैंसल आउट होते, उनको कैंसल आउट भी हमने कर दिया, इनके कैंसल आउट होने के बाद मेरे पास ये चीज बची है। अब यहाँ तो आप ऐसे ही रहने दो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटे ये एक प्रॉपर स्टैंडर्ड इसका फॉर्म नहीं है, इसको एक प्रॉपर वे में लिखने के लिए हम ए बाई टू जो पॉजिटिव है इसको कॉमन ले लेते हैं। अब ए बाई टू इसमें तो ये नेगेटिव है, इसमें है ही नहीं है, जब मैंने ए बाई टू कॉमन लिया यहाँ से तो मेरे पास टू एन बचेगा। अगर हमें कोई गलती लग रही हो, हमें कोई कई बार बेटे लगता है कि पता नहीं क्या कर दिया है, आप इसको सिंपली इसके साथ मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ब्रैकेट खोल दीजिए, ये ब्रैकेट खोलोगे तो टू से टू कट जाएगा, ए एन आपको मिल गया ये वापस, और ए बाई टू नेगेटिव था, इस माइनस वन को ए बाई टू से मल्टीप्लाई करो आपको वापस मिल जाएगा। आई मीन टू से दैट कि अगर आपको लगे कि फॉर्मूला पता नहीं इस स्टेप से ये कैसे आ गया है, आप इस स्टेप को ब्रैकेट को हटाकर सॉल्व करेंगे तो आपको वापस ये मिल जाएगा, लेकिन हमें लिखना इसको इसी फॉर्मेट में है, इसको इस फॉर्मेट में याद रखना थोड़ा इजी होता है बेटा, राइट पुत्र? यस बेटा, ओके सर, थैंक यू। ओके बेटे, सो बिफोर आई प्रोसीड फर्दर बेटा, अपने रोल नंबर नाइन हरमन, रोल नंबर नाइन हरमन बेटा। यस सर। बेटे सारा समझ आ गया? हाँ जी। अब दीप कौर रोल नंबर 20, प्रभदीप रोल नंबर 20। यस सर। बेटे सारा क्लियर है? यस सर, क्लियर है। नाइस नाइस बेटा, सो चलिए बेटे इसके साथ फिर मैं, अब मेरा छोटा सा कंसेप्ट है बेटा मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कई बार ग्राफ्स की हेल्प लेनी पड़ती है कि हम किस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स स्टडी किया करते हैं। आइए थोड़ा बेटे उस पार्ट पे भी कंसंट्रेट करके देखें। सो कौन कौन सी दो टाइप के ग्राफ्स हैं जिनके साथ हम अपना मोशन जो है इसको बेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हमें इन ग्राफ्स की इम्पोर्टेंस के बारे में भी जरूर पता होना चाहिए बेटा। आइए बेटे देखें, सबसे पहले मेरे पास बेटे है एक्स टी ग्राफ बेटा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ,
ये कैसा ग्राफ है, कैसे हम इसको प्लॉट कर पाते हैं एंड समथिंग लाइक दैट। जब देखो बेटे आप अपना फिजिक्स का पीरियड अटेंड कर रहे हो, आप बैठे हो अपने घर पे, किसी रूम में बैठे होगे आप डेफिनेटली, और आप अपना बैठ के काम कर रहे होंगे, आप पीरियड के बिल्कुल स्टार्टिंग से कुछ बच्चों को मैं देख पा रहा हूँ वो वहीं के वहीं पे बैठे ही हैं। अगर आप अपने रूम के डोर को एज रेफरेंस पॉइंट ले लें, आपका डिस्टेंस उस रूम के डोर के विद रिस्पेक्ट टू नहीं बदल रहा। आप जितना भी टाइम बैठे हो, 30 मिनट्स, 35 मिनट्स या 40 मिनट, आपका उस डोर के कंपैरेटिवली उसको अगर आप रेफरेंस पॉइंट ले लोगे तो आपका पोजीशन नहीं बदला। इस चीज को मैं बच्चों ऐसे शो कर सकता हूँ, आप इस तरफ अगर पोजीशन ले लो अपना, इस तरफ आप अपना टाइम प्लॉट कर लो, टी ले लो, तो आपकी पोजीशन तो बदली नहीं है। मान लीजिए आप डोर से 2 या 3 मीटर के डिस्टेंस पे बैठे हो, बिल्कुल डोर पे ही थोड़ी बैठ जाते हैं हम, थोड़ा डिस्टेंस भी बैठते हैं ना बेटा। क्यों दिया? यस दिया, यस सर। थोड़ा हट के बैठे हुए ना हम, यस सर। हाँ, बिल्कुल डोर पे तो बैठे नहीं हुए। तो मान लीजिए ये आपका डिस्टेंस 2 मीटर का है, डिस्टेंस इज इन मीटर्स, टाइम हमने सेकेंड्स में ले लिया, आप मिनट्स में ले लो, आपका पीरियड 35-40 मिनट का है, आप मिनट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका डिस्टेंस जितना था सारे पीरियड में आपका डिस्टेंस उतना ही रहा, सो ये आपका ग्राफ बन जाता है जब आप मूव नहीं कर रहे हो। साइंटिफिकली वी विल से दैट इट इज द केस फॉर द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट बेटे। ठीक है जी बेटे, अगर आप यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हो, मान लीजिए आप स्ट्रेट रोड पे साइकिलिंग कर रहे हो सवेरे सवेरे और आप एक ही स्पीड से मूव कर रहे हो, तो आपका जो बराबर के टाइम इंटरवल्स में डिस्टेंस कवर्ड है दैट विल आल्सो बी इक्वल बेटा। उस केस में आप पोजीशन इस तरफ ले लोगे मीटर्स में, टाइम आपने सेकंड्स में लिया, आपका ग्राफ जो है इट इज ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस। सो दिस इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन बेटा, यूनिफॉर्म मोशन, इसके लिए ग्राफ आपका बेटे कुछ इस तरीके का हो जाया करता है। कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा हमें अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस कई बार तेज भी चलना पड़ता है, कई बार स्लो डाउन भी होना पड़ता है। अगर आपका मोशन एक्सेलरेटेड वन है, आप अपने ऑब्जेक्ट को स्पीड अप कर रहे हो, तो आप अगर टाइम इस एक्सिस पे ले लोगे और पोजीशन इन एक्सिस पे ले लोगे, पहले तो आप बेटे बिल्कुल ठीक ठाक ही चल रहे थे, आपका डिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंडेंट था टाइम के, फिर आपने क्या किया स्पीड अप किया, अब कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो दिस इज द ग्राफ फॉर सच टाइप ऑफ मोशन बेटा। ऐसे आपका ग्राफ आ जाएगा जब आपका ऑब्जेक्ट बेटा एक्सेलरेटेड मोशन पोजेस करेगा, इट विल बी लिटिल बिट अप इंक्लाइंड बेटा। अब इन ग्राफ्स की इंपॉर्टेंस के बारे में भी बेटे ब्रीफली बात अगर करके देखें, आप ये वाले ग्राफ को जरा पिक करिए, इसको ओ आपने ऑलरेडी बोल रखा है, लेट दिस पॉइंट बी ए, ए पॉइंट से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया बी ऑन द टाइम एक्सिस, ये आपका परपेंडिकुलर है, आप इमेजिन कर लीजिए। और बेटा ये आपके पास एंगल मान लो थीटा है डियर चिल्ड्रन, आप इस केस में अगर स्लोप निकाल लोगे इस ग्राफ का, इस मिडल वाले ग्राफ का स्लोप, बच्चों आपको पता है टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा होता है, दिया पता है ना दिया? यस सर, यस सर। स्लोप का बच्चे पता है ना? यस सर। ओके, ये आपका स्लोप जब निकालोगे इट विल बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर कौन सा है ए बी, बेस कौन सा है ओ बी। बच्चों सारे बच्चे देखो ए बी को, ये आपको डिस्टेंस कवर्ड दे रहा है व्हेन यू कंपेयर इट अलोंग द वाई एक्सिस, सो ये आपके पास आ गया जी डिस्टेंस कवर्ड, और नीचे देखिए टाइम, ओ बी आपको टाइम बता रहा है, दिस इज इक्वल टू टाइम टेकन, डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन, इशनूर किसके बराबर होता है रोल नंबर 11, इशनूर सर स्पीड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटा, तो आपको मिल गया जी स्पीड मिल गया।
तो यही आपके बेटे एक्सटी ग्राफ का इंपॉर्टेंस है, आपको आपके ग्राफ का जब स्लोप निकाल लेते हो स्पीड मिल जाती है. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सटी ग्राफ. अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सटी ग्राफ, यू विल सिंपली आंसर इन वन लाइन दैट स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ इट गिव्स अस द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब बच्चों थोड़ा सा और देखिएगा, मान लीजिए ये मेरे पास यहां पे मैं ग्राफ पे इंडिकेट कर रहा हूं पी पॉइंट है. पी पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, दिस इज द टेंजेंट, और यहां एंगल बन गया जी थीटा वन. एक पॉइंट मेरे पास यहां पे क्यू है, यहां पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये देखिए ये मेरे पास बन गया एंगल थीटा टू. बेटे थीटा वन बड़ा है कि थीटा टू, देख के बताइए अंजलि. अंजलि यस सर, थीटा वन बड़ा है कि थीटा टू? सर थीटा टू. थीटा टू बड़ा है, वेरी गुड. थीटा टू इज मोर देन थीटा वन. इसका मतलब है स्पीड एट पॉइंट पी दैट विल बी इक्वल टू टेन थीटा वन, स्पीड एट पॉइंट क्यू दैट विल बी इक्वल टू टेन थीटा टू. क्योंकि थीटा टू बड़ा है थीटा वन से, यू कैन से दैट स्पीड एट पॉइंट क्यू विल बी मोर देन स्पीड एट पॉइंट पी. आपको एग्जामिनेशन में ग्राफ बना के दिया जा सकता है, वो कह देंगे कि ये एंगल 45 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, स्पीड निकालिए कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पे. कुछ भी नहीं करना, सिंपली उनका टैन कर देना है, आपको आपकी ऑब्जेक्ट की बेटा स्पीड मिल जाएगी. सो डियर चिल्ड्रन, ये आपका कुछ डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कशन था. बिफोर आई प्रोसीड फर्दर विद द टॉपिक्स अहेड, मैं इन ग्राफ्स को एक बार बेटे री एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए किसी भी बच्चे को. जब आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल रेस्ट पे होगा, नहीं मूव करेगा, आपका ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस आ जाएगा. और बच्चों एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए आप जिस ओरिजिन से, जिस रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस मेजर कर रहे थे, अगर वो रेफरेंस पॉइंट आपके बिल्कुल पास ही है, आप रेफरेंस पॉइंट पे बैठे हो, तो आपका ये ग्राफ जो है इट विल बी ऑन दिस एक्सिस, ये इसके ऊपर ही आ जाएगा ये ऐसे, बिकॉज डिस्टेंस तो है ही नहीं है. ठीक है जी. सेकेंडली आपका अगर यूनिफॉर्म मोशन है, बराबर के टाइम इंटरवल्स में बराबर के डिस्टेंसेस कवर कर रहे हो, इट विल बी ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन बेटा. तो स्लोप निकालना चलो आपको पता चल ही गया है, सिंपली टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा निकाल लीजिए, आपको स्लोप मिल जाएगा और हम इसको स्पीड निकालने के लिए यूज कर लेंगे. और बेटे अगर ग्राफ आपका यूनिफॉर्म मोशन का ना हो, एक्सेलरेटेड मोशन हो, तो आप किसी भी पॉइंट पे स्पीड निकाल सकते हैं by drawing the tangent at that point and then taking the slope or tan of angle theta at that point beta. So beta, this was all from my side for the day. किसी भी बच्चे को कोई भी बात पूछनी है तो मुझे बता दीजिए, I will be happy to explain. Yes beta, all the children, Anjali, Harnoor, Ishnoor, Jacqueline, then roll number 17, रोल नंबर हाँ जी 19, निधि, निधि बेटा, निधि हाँ जी बेटे, निधि ऑल क्लियर, सारा क्लियर है बेटा. ओके नमन, ओके बेटे, ओके ओके नमन, रमन, सहज, तो सारे बच्चे प्रेजेंट हैं, वेरी नाइस टू सी यू ऑल बेटा. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं. सो थैंक यू ऑल बेटा.